नमस्कार द फॉलोअप देख रहे हैं आप। झारखंड की उपराजधानी दुमका में एक शर्मनाक वारदात हुई है। एक विदेशी महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। वारदात में शामिल 7 लोग थे, उसमें से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाकियों की तलाश की जा रही है। ये घटना कब घटी, कैसे घटी, मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई है और इस पर सियासत क्या हो रही है, तमाम बातों पर हम आपको धीरे धीरे सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देंगे। ये घटना शुक्रवार देर रात की है। स्पेनिश महिला अपने पति के साथ बाइक से टूर पर निकली थी। वो पश्चिम बंगाल के रास्ते झारखंड में आई। झारखंड के दुमका में उन लोगों ने रात बिताने का फैसला किया। दुमका के पास एक हसडीहा नाम की जगह है, हसडीहा थाना क्षेत्र है, वहीं पर कुमरा हाट नाम की एक जगह है, गाँव है, और गाँव के बाहर एक सुनसान इलाका है, पूरा मैदान है, खुला हुआ जंगल वाला इलाका है। दोनों ने वहाँ पर रात बिताने का फैसला किया। अस्थाई टेंट बकायदा वहाँ लगा गया और दंपति जो है वहाँ पर आराम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि तभी 7 से 8 की संख्या में आसपास के ही कुछ युवक वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने दंपति के साथ पहले तो मारपीट की, उसके पति को पीटा और फिर महिला के साथ गैंगरेप किया और उनके पैसे और सामान छीनकर भाग गए। वारदात के बाद दरे सहमे दंपति मुख्य सड़क पर मदद के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन चूंकि वो स्पेन के रहने वाले हैं तो स्पेनिश में ज़्यादा बात कर रहे थे और जो अंग्रेजी वो बोल रहे थे वो लोगों को समझ नहीं आ रही थी। हसडीहा थाना क्षेत्र की जो पुलिस है वो इस इलाके से गश्त कर रही थी और रात के तकरीबन 11 बजे जो पुलिसकर्मियों की टीम है उन्होंने एक विदेशी दंपति को सड़क पर देखा तो वहाँ जाकर पूछताछ की, लेकिन उनकी भाषा उन्हें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से दोनों बदहवास थे उससे ये अंदाज़ा तो लगाया जा रहा था कि कोई ना कोई अप्रिय घटना हुई है। तो वैसे में उन्होंने देर नहीं की, पुलिसकर्मियों ने ज़्यादा वहाँ पूछताछ में वक्त नहीं लगाया और दंपत्ति को लेकर सरैया हाट नाम की एक जगह है हसडीहा से कुछ ही दूरी पर, वहाँ पर लेके गए। वहाँ पर CHC में चिकित्सकों ने जाँच की महिला की और उन्होंने ये कन्फर्म किया कि महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है, तो वहाँ पर प्राथमिक उपचार किया गया और बयान लिए गए। वहीं पर महिला ने टूटी फूटी अंग्रेजी में ही पुलिसकर्मियों को ये समझाया कि उसके साथ गैंगरेप की वारदात हुई है और इसमें कुल 7 लोग शामिल थे। महिला ने हुलिया बताया और उसी हुलिये के आधार पर पुलिस ने आरंभिक तौर पर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जो SP हैं दुमका के पीताम्बर सिंह खैरवार, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि महिला को फिलहाल जो है दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया है, वहाँ पर उसका इलाज किया जा रहा है। उनका ये दावा है कि महिला की स्थिति जो है कही जा रही है जिस तरह से कि नाजुक है, गंभीर है, ऐसा नहीं है, बल्कि महिला सामान्य है, इलाज किया जा रहा है। हालांकि चूंकि इस तरह की वारदात हुई है तो वो डरी सहमी हुई जरूर है, तो पुलिस उनसे पता करने का और भी जानकारियां लेने का प्रयास कर रही है। मामले में एक SIT का गठन कर दिया गया है जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी शामिल हैं और उनको ये निर्देश दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सकता है वो आरोपियों को गिरफ्तार करें, क्योंकि अभी तक 3 गिरफ्तारी हुई है, बाकी जो 4 और लोग हैं घटना में शामिल उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि SP ने बताया कि जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने अपने बाकी साथियों का नाम बता दिया है और उनकी ही निशानदेही पर छापेमारी की जा रही है। मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। गोड्डा के जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से निशिकांत दुबे, उन्होंने इसके लिए सरकार को दोषी ठहराया। वो कह रहे हैं कि हम पिछले 4 साल से लगातार कह रहे हैं कि झारखंड में महिला सुरक्षा जो है वो खतरे में है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस पहल की नहीं जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो पुलिसकर्मी दुमका जिला में तैनात किए गए हैं उनके पास पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं है और यही वजह है कि उनको घटना को समझने और उस पर कार्रवाई करने में वक्त लग गया, तो उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है, आज आखिरी दिन है, ऐसे में गोड्डा के जो विधायक हैं अमित मंडल, उन्होंने भी सरकार को घेरा है, आड़े हाथों लिया है और उन्होंने ये कहा कि दुमका SP को घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इतनी बड़ी वारदात हो गई एक विदेशी महिला के साथ और कार्रवाई में देरी हुई या पुलिस को समझने में वक्त लगा, तो उनको वो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं।
हालांकि इस राजनीति और सियासत से अलग पुलिस प्रशासन जो है वो कार्रवाई में लगा हुआ है। 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। जो जानकारियां सामने आई हैं उसके मुताबिक जो महिला है वो बाइक से अपने पति के साथ टूर पर निकली थी। अब वो पश्चिम बंगाल से निकली, उधर से बिहार होते हुए झारखंड में उन्होंने प्रवेश किया। दुमका में वो लोग रात को रुके थे और उनको आगे नेपाल जाना था, उससे पहले ये वारदात हो गई है। स्पेनिश महिला के साथ जो वारदात हुई, तो चूंकि ये एक विदेशी महिला है, विदेशी पर्यटक है, लाइमलाइट में ये घटना आई है और निश्चित रूप से दुखद है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं अक्सर झारखंड में सामने आ रही हैं, गैंगरेप की वारदात सामने आ रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी, 11 लड़कों ने उस वारदात को अंजाम दिया था, उसमें भी कार्रवाई चल रही है। तो पूरे राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंतन की ज़रूरत है, पुलिस को अपनी कार्यशैली को लेकर भी काम करने की ज़रूरत है और ये भी ज़रूरी है कि पुलिस की कार्रवाई ऐसी हो कि अपराधियों के मन में खौफ हो कि वो ऐसा करेंगे तो वो बच नहीं सकते। तो ना केवल ये महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से बुरी बात है बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए भी खराब है, क्योंकि एक विदेशी पर्यटक जो है वो भारत में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, वो जब जाएंगे अपने देश में तो वो क्या इमेज लेकर जाएंगे भारत की कि भारत में ऐसी वारदात उनके साथ हुई है। तो ये निश्चित रूप से दुखद है, कार्रवाई हो रही है लेकिन कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। शुक्रिया। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.